छोटा सा लेके आए हो बिल्कुल। मिर्ची एक नंबर, मिर्च देखो इसकी ताजी और साइज बहुत अच्छी, फ्राई करके खाओगे आज खा सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो मैं तल दूँ तो खा सकते हो ये बोल रहे हो और शीरीन फ्राई कर दे तो आपका मनपसंद बिस्किट मम्मी डैडी ने लाए। अदरक कितना लेके आए हो? हाफ के जी, ठीक है। अभी तो पेस्ट भी वो खरीदा वाला रखा है अदरक लहसुन का। ये महंगे होते जा रहे हैं बारिश की वजह से। पुदीना महंगे आपने लगाए तो लग गए वो। भाभी कल दिखाई मेरे को, बोली कि लगाए तो लग गए। वो 20 का है, इसको तुरंत खोल लेना है। अभी खोल लेता हूँ। कौन सा? मेरा चाकू है, गड़बड़ हो ही नहीं। जब पतली नोक वाला लगा था फंसा के खोलना पड़ेगा। पतली वाला जो एक है क्रीम कलर। अब एक दिन में दो लौकी जाएंगी तो आप 3 दिन का लेके आए हो। एप्पल सीरीन खाएगी। चल क्या क्यों ज्यादा हो रहा था सब? नायमा दूध पी लो बेटा। पीगा है डैडी दूध कर क्यों नहीं पी? वो पी नहीं रही है बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे आदत समझ डाल दो। बिल्कुल नहीं डाल नहीं, लेकिन हर दिन आदत तो छुड़ाना पड़ेगा। डालने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी हर चीज की जरूरत है थी बॉडी की। जा बेटा डाल दे उसमें शुगर। जा सीरिन डाल दो। राजा मीठा पिएगा। इसमें चीनी लगी। 1/4। वन डाल दो थोड़ा सा और, क्योंकि वो पूरा भरा डिब्बा। हाँ? बोरी भी नहीं रही थी वहाँ। हाँ, रस्सी लाए बाहर के लिए। आप बोले वही दुकान में रहेगी। नहीं लिखी नहीं थी, लेकिन बात हो गई थी। ये भी नहीं लिखी थी। बोलो ये भी नहीं लिखी थी। ये लाया उल्लू टुप्पा, तो वहाँ पे लाए थे। टोस्ट लेके आए हो वाली, आप तो खाते ही नहीं हैं। ये देखो बड़ा वाला होम फॉइल। यही वाला सेम है अपने घर में, अभी जो सेम यही है घर में, छोटा इसका। यहाँ घर में? हाँ, इसका छोटा। कितने का आया इतना बड़ा? 200। वो भी तो कुछ का आता है ना, 100 कुछ का। नहीं वो क्या है मम्मी? 80 कुछ का है वो भी। मम्मी उसके अंदर क्या है? वो रेड पन्नी के अंदर टोस्ट ये मिर्च ले आए। ये देखो ये वाला। हाँ यही तो है ना, क्लासिक यही है। सुन रहे हो? यही है एवरीडे करके लिखा है ना, यही वाला नहीं। मसाला वाला है। कहाँ से दिख गया था? बाजू से। दालें, जरूरी दालें दोनों को मिक्स करके ही डाल दूंगी। मम्मी वो बना रही है ना, वो ब्लैक और वाइट दाने वाले। क्या चीज? ब्लैक वाइट।
दाने वाले पकौड़े पकौड़ा। अरे ब्लैक व्हाइट दाने वाले वो दाल नहीं है, काली छिलके वाली ला दे। जब यहाँ पर आए थे उसी दिन मैंने बोली थी कितने सारे जो है खराब नहीं करती। हो गई खत्म। जाओ बेटा ये मिठू खिलाओ। ठीक बहुत सारा आ गया। धनिया अब भी खत्म हो जाएगा बता रहे हो, मुझे धनिया कितना लगता है। अच्छा भी तो जाऊं सैलेड बना दूं। सैलेड बना दो तो कर लो, खाओ पियो आराम करो। सो आपने देखे नजूर मेरी इस तरीके से चटपटी बातें हमेशा होती, इस तरीके से आता है और हम लोग ऐसे ही बातें करके निकालते हैं सामान और ये प्राइस वगैरह बताते हैं और इसी तरीके से जमाते हैं। अच्छा लगता है ये सब चीज़ें और सारी चीज़ें अब मैं अपने जगह पे सेट कर दूंगी। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।